खबर है बुलंदशहर से। बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव इस्लामाबाद में गैंगस्टर यासीन के मकान को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। गैंगस्टर यासीन की 18 लाख की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। गैंगस्टर यासीन की संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर दिया गया है। बता दें, समूह बनाकर असामाजिक गतिविधियों से गैंगस्टर यासीन ने गैरकानूनी रूप से लाखों की संपत्ति अर्जित की थी। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा गैंगस्टर यासीन की संपत्ति को कुर्क किया गया। गैंगस्टर यासीन पर गौकशी, लूट, हथियार जैसे आधे दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गांववासी ध्यान दें, उत्तर प्रदेश द्रोहबंध एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम धारा 14(1) अंतर्गत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद बुलंदशहर के आदेशानुसार अभियुक्त यासीन पुत्र मीसा निवासी कोट थाना खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर हाल निवास ग्राम इस्लामाबाद हसनगढ़ थाना खुर्जा देहात जनपद बुलंदशहर का कुल 168 वर्ग मीटर का मकान कुर्क कर लिया गया है। अब यह संपत्ति सरकार के अधीन है। सरकार के अलावा उक्त आवासीय मकान भूमि पर अन्य किसी का कब्जा नहीं रहेगा। आदेश जिलाधिकारी जनपद बुलंदशहर। सर, एक संपत्ति कुर्क की गई है, कितनी संपत्ति और किस तरह के मुकदमे इनका आपराधिक इतिहास है? ये थाना खुर्जा देहात जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना खुर्जा देहात के ग्राम इस्लामाबाद में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम यासीन है, जिसके विरुद्ध जनपद बुलंदशहर के विभिन्न थानों में कुल 7-8 मुकदमे गौकसी, लूट और शस्त्र अधिनियम के कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके द्वारा अपने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धन के आधार पर निर्मित एक मकान जिसकी कुल आर्थिक कीमत लगभग 18 लाख रुपए है, उसे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर के आदेशानुसार राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया गया है।